खबर ऋषिकेश से है, जहां पिछले 5 दिनों से गुमशुदा चल रही एक युवती का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी रिसोर्ट मालिक पुलकित आर्य समेत 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश घटना को बहुत दुखद बताते हुए कहा कि जिस किसी ने ये जघन्य अपराध किया है, उसे हर हाल में कड़ी सजा दिलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि पुलिस अपना कार्य कर रही है और पीड़ित में न्याय दिलाना सुनिश्चित किया जाएगा। वहीं बता दें कि पहले ये मामला राजस्व पुलिस के पास था, वहीं अब मामला दूसरे विभाग में पहुंच गया है। वहीं आपको बताते चलें, जिसके बाद मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। इसी के चलते पिछले 5 दिनों से गुमशुदा चल रही युवती को सुनसान जगह पर ले जाकर शराब पिलाई गई और उसके बाद शराब के नशे में हत्या कर उसका शव नहर में फेंक दिया गया। उत्तराखंड से रेजिडेंट एडिटर अवनीश जैन की रिपोर्ट। दुखद घटना है, बहुत जघन्य अपराध है और पुलिस अपना काम कर रही है। गिरफ्तारियों को लेकर पुलिस ने आगे सारे काम किए हैं और ऐसी जो जघन्य घटनाएं हैं उस पर जितनी कठोर कार्रवाई हो सकती उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। अपराधी चाहे कोई भी हो, किसी भी सीमा तक जाकर हम इसको पूरी तरह से जो न्याय है उसके सिद्धांत पर चलते हुए अपना काम करेंगे, पुलिस अपना काम करेगी।